Hi everyone, welcome to my channel Curly Monil. मेरे वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, मैंने गार्डन के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। किचन गार्डन का मैंने टूर करवाया था आप लोगों को, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरे गार्डन में, मेरी बालकनी में बहुत सारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं। उनको ग्रो करने के लिए मैंने कुछ प्लांट में नर्सरी से लेके आती हूँ, कुछ प्लांट जो है सीड से ग्रो करती हूँ, और जो नर्सरी से लाते हैं वो रेडी आते हैं, उनको हम लाके अपने प्लांट में रिपोर्ट कर देते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हम उनकी कटिंग से भी लगा सकते हैं, तो कुछ प्लांट हम मार्केट से लाते हैं और उसके बाद, जैसे गुलाब है तो उसकी जब हम कटिंग करेंगे तो उसकी कटिंग से भी हम ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट की ब्रांचेस को कट करके हम ग्रो कर सकते हैं, और कुछ सीड से जो ग्रो करते हैं तो वो सीड भी हम मार्केट से लेके आते हैं, या कुछ अपने गार्डन से भी हम सीड को कलेक्ट कर सकते हैं कुछ, पर मोस्टली हम मार्केट से ही सीड लेकर आते हैं। तो जब मार्केट से सीड लाते हैं हम, तो कुछ लगाते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ फिर दूसरी बार लगाते हैं, इस तरह हमारे पास सीड जो है इकट्ठे होते रहते हैं, हम किसी एक जगह उनको कलेक्ट करके रखते रहते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब मार्केट से सीड लेके आती हूँ तो फिर उनको ग्रो कर देती हूँ, और कुछ बचे रहते हैं तो जो सीड ग्रो नहीं होते हैं, जहाँ जगह खाली होती है, तो उसमें मैं और सीड को ग्रो करती रहती हूँ। तो मार्केट से सीड लाने के बाद, हम ग्रो करने के बाद जो सीड बच जाते हैं या फिर बाद में काम आते हैं, तो इस तरह वो इकट्ठे हो जाते हैं। और अब इसमें से आपको उन सीड को ढूंढने में बहुत परेशानी आती है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सीड का अरेंजमेंट कैसे करें। तो उनका सीड का अरेंजमेंट करने से क्या होगा कि हमें ये बेनिफिट होगा कि हम जल्दी से हमें वो सीड मिल जाएंगे, और यह भी पता चल जाएगा कि हमारे पास उस टाइप के सीड हैं या नहीं हैं, तो हमें और मार्केट से लाना है या नहीं लाना है, तो इसी सब चीज़ों का हमें आइडिया रहेगा। अब इसके अंदर आप देखिए, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मेरे पास कौन कौन से सीड पड़े हुए हैं, कौन से बचे हुए हैं, और जब मुझे सीड लगाने होते हैं तो इसमें से ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढने में टाइम भी लगता है और मन भी थोड़ा वो हो जाता है, अरे मिल नहीं रहा है, ऐसा हो जाता है। तो उसको अब हमें अरेंजमेंट करने के लिए मैंने छोटी छोटी बॉटल्स का अरेंजमेंट कर लिया है। क्या ये छोटी छोटी बॉटल्स जो है, और ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपको जल्दी से ऐसे बॉटल को उठाया और देखा तो आपको पता चल जाएगा। और अगर फिर भी मैं चाहती हूँ, मुझे तो बहुत सारे सीड के नाम मालूम है, बट किसी को अगर नहीं मालूम हो तो मैं इनके ऊपर लेबलिंग भी कर दूँगी। तो लेबलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, पहली चीज़ तो है सीड का अरेंजमेंट के लिए, हमें उनको सीड को रखने के लिए छोटे छोटे कंटेनर्स या बॉटल्स जो भी है वो हमें चाहिए होगी। दूसरा है कि हमको उनका नाम लिखने के लिए इस तरह के छोटे छोटे से पेपर मैंने स्ट्रिप्स जो है कट कर ली है, और इनके ऊपर मैं उनके नाम लिखूंगी, और नाम लिखने के बाद फिर इसको ट्रांसपेरेंट टेप से इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। इस तरह हम उस पे नाम लिखकर इस तरह उसको स्टिक कर देंगे, तो उससे जब भी मुझे कुछ सीड को ढूंढना होगा तो मैं उसको जल्दी से, वो सीड मुझे जल्दी से मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, आज हम सीड का अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ सीड मेरे ऐसे एक दिन बिखर गए और इस तरह पड़े हुए हैं, ये इधर उधर बिखरते जा रहे हैं, तो इनको हम एक छोटे से कंटेनर में भरेंगे। तो भरने के लिए मैं एक पेपर भी लेके आई हूँ, तो उस पेपर को मैं ऐसे डालेंगे हम, और उसके बाद हम इसमें इस तरह सबको भर लेंगे। ये है, ये भर लिया, देखिए
इसे भर लिया। अब इसके ऊपर मैं नाम लिखूंगी। ये सीड जो है मूली के ना रेडिश के सीड है, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे रेडिश। फिर उसके बाद एक सेलो टेप लेंगे, ट्रांसपेरेंट वाली लेंगे हम, और उसको हम कैंची की सहायता से कट कर देंगे। अब इस बॉटल को के ऊपर हम इस स्ट्रिप को लगाएंगे। स्ट्रिप थोड़ी बड़ी हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और इसके ऊपर इस तरह हम ये देखिए इस पे हमने लेबल लगा दिया है और ये कंप्लीट हो गया। इस तरह हम इन सब को कंप्लीट करेंगे। अब इनको हम एक ऐसे राउंड बॉक्स में सबको कलेक्ट कर लेंगे। सभी सीट को देखिए मैंने सिस्टेमेटिक रख दिए हैं कंटेनर में और लेबलिंग कर दी है, तो इससे आपको ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बी क्रिएटिव, बाय।